आज एक शिकायत रहती है, आए दिन शिकायत है, ससुराल वाले बेटी को अच्छा नहीं रखते। बेटियों तुमसे भी गुजारिश है, तुम ये शिकवा करती हो हमने माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, भाई छोड़ा, हम सब छोड़ के आए हैं फिर भी हमें यहाँ पर प्यार नहीं मिला। ये बात सच है, तुम छोड़ के आई हो लेकिन सिर्फ एक अमल कर लो, अगर माँ छोड़ के आई हो ना तो अपनी सास को अपनी माँ मान लो, बाप छोड़ के आई हो तो अपने ससुर को बाप मान लो। फिर देख खुदा की कसम, जमीन यहाँ की हो या वहां की हो, लहजे तेरे मीठे होंगे, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो। लेकिन जब से तू आई तूने सास ससुर को मानी बाप नहीं मानी, मानने का तरीका क्या होता है? अल्लाह पर वक्त का खलीफा हजरत उमर फारूक आजम। और आज अगर आज जरा सी हुक्मरानी या पावर मिल जाए तो उस पावर का हम लोगों को सताने में इस्तेमाल करते हैं, किसी की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लोगों को दुख पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वक्त का खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया का बादशाह, आपकी जिंदगी का अपना मामूल था, जब दुनिया सो जाती आप घर से बाहर निकलते और लोगों के दुख दर्द सुना करते थे। वो आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना होगा, निकल के जा रहे थे, घर में कोई माँ कह रही थी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दी, हजरत उमर फारूक आजम के बड़े कदम रुक गए। कहने लगे माँ तुझे पता नहीं ये उमर का दौर है? माँ ने कहा हाँ दौर तो उमर का है लेकिन रात है बेटी, दौर है उमर का लेकिन उमर देख तो नहीं रहे। जब इतना सुना ना बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहे लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर ये अकीदा हो हमारा कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है तो फिर किसी की मेंढ काटने से पहले अगर ख्याल आएगा ना खुदा देख रहा है तो हाथ रुक जाएंगे। अगर खड़ी खेती काटते वक्त याद आ गया खुदा देख रहा है तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अब तो होता क्या है, ये शिकायतें रहती मौलाना आरिफ साहब गांव गांव चले जाइए, आदमी वही लोग ज्यादा बकरे पालते हैं जिनका घर खेत के किनारे। सही बात, साल भर बकरे पल गए फिर बकरे ईद में 18,000 के बिक गए। भाई एक एक पत्ते का हिसाब होगा, एक एक पौधे का हिसाब होगा। जानवर आपका है, आप उसे संभाल के रखिए। आपने इसलिए खरीदा था कि पड़ोसी के खेत से पाल लेंगे। अगर कोई जाके कहते भाई तू इसके खेत में क्यों ये जानवर छोड़ रखे तो कहता खेत तेरा है तो उसका है, वो कहते भाई खेत तो उसका ही है तो कहता तुझे क्या पड़ी। आज ही हाल है, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुदा के लिए मुसलमान बनिए, मुसलमान बनिए, हकीकत में इंसान बनिए। खुदा का खौफ हमारे दिल में होगा तो किसी का हक मारने से पहले ख्याल आएगा खुदा देख रहा है। ये बात हजरत उमर के कानों से टकराई, बच्ची ने कहा खुदा देख रहा है। आप उठे अपने घर गए, जाके शरीक हयात से कहा मेरी बीवी मेरी ज़ौजा, कहा बात क्या है? कहा मेरा बेटा जवान हो चुका है, इसके निकाह की कोई तैयारी है कि नहीं? कहा इरादा तो मेरा भी है कि बेटे का निकाह किया जाए, कोई लड़की तलाश की कि नहीं? कहा आप तलाश करें, मैं भी तलाश करती हूँ। जब इतनी बात हजरत उमर ने कही है तो बीवी ने जवाब दिया आप भी तलाश करें। कहा मेरी नजर में एक बच्ची है। कहा कौन है? आपने बताया फला जगह घर है, चलो चल के उसके लिए उसके घर जा करके बेटे के लिए रिश्ता मांगते हैं। अल्लाह अकबर, आप जरा गौर करना, अपने दौर की बढ़ती हुई रस्में भी देखो, गरीब के बहते हुए आंसू भी देखो। लोग कहते थे कि आज का जीना मुश्किल है लेकिन मैं कहता हूँ आज मरना मुश्किल हो गया है। आज दुनिया के अंदर आने के बाद जीना तो था ही मुश्किल लेकिन मरना भी मुश्किल हो गया है। आप कहेंगे मरना कैसे मुश्किल है तो सुनिए, कल जब लोग मना करते थे परेशान होकर कहते थे मर जाएंगे तो चैन से कब्र में सो जाएंगे, लेकिन आज जब गरीब बीमार होता है तो ख्याल आता है अगर मरूंगा तो 90 किलो चने कहां से आएंगे, अगर मरूंगा तो 3 क्विंटल की बिरयानी कहां से बनाई जाएगी। आज एक गरीब के लिए जीना मुश्किल नहीं बल्कि मरना भी मुश्किल हो गया है। और बढ़ते हुए अखराजात, तबाहकारियां, कौम आज बर्बादी के दहाने पर खड़ी है लेकिन अमीरों को शौक से फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर कहते हैं कि बेटे वालों ने जहेज की रस्मों को बढ़ाया है। मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ इसके जिम्मेदार बेटे वाले नहीं है बल्कि बेटी वाले भी इसके जिम्मेदार हैं। जरा सा डॉक्टरिया क्या बन गया, 3 महीने कंपाउंडरी क्या कर ली है, जाके कहता 5 लाख बगल में दबा के कहता मौलाना बिलाल इससे मेरी बेटी का रिश्ता कराओ, 5 लाख कैश दूंगा। नियत तो तुमने खराब की है, जरा सी इंजेक्शन लगाने की आ गई, 5 लाख की गड्डी लेकर के तू पहुंच गया। मैं तुझसे पूछना
चाहता हूँ। तूने 5-7 लाख में दामाद खरीदा, कल जब तेरी बेटी को धक्के दिए जाते हैं तब तू मौलवी के पास जाकर के कान पकड़ के कहता है मौलवी खता हो गई है, लेकिन अब कोई तावीज कर दो जिससे बेटी की जिंदगी संवर जाए। अब कोई तावीज काम नहीं आने वाला है। अगर बेटी की जिंदगी संवारनी थी तो ये फैसला कल करना था। तुझे डॉक्टर नहीं ढूंढना था, तुझे इंजीनियर नहीं ढूंढना था। अगर तलाश करना था मोहम्मद अरबी का गुलाम तलाश करना था, हुजूर का आशिक तलाश करना था। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो हुजूर का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब दुल्ला, जश्ने शादी सरजमीने शाहपुर। सुभान अल्लाह। भाई बाबा, ओ भाई, रिश्ता करने से पहले 1000 बार सोचो, क्या तुमने नहीं देखा अभी कोरोना हुआ कितने लोग तो डॉक्टरों की वजह से मर गए। हाँ, डॉक्टरों की वजह से लोग मरे। वो मरे क्यों? 3 महीने कंपाउंडरी की और थैला लेकर के बैठ गए, थैला लेके बैठ गए। बुखार किसी भी किस्म का है, इंजेक्शन सबको एक ही लग रहा। हाँ, और आदमी बस फिदा हो गया, चमक देख ली, भाई डॉक्टर है, 5 लाख मेरी तरफ से बेटी का रिश्ता करा। इससे माहौल बिगड़ा है, यहां से तबाही आई है मुआशरे में। एक बाप के लिए जिम्मेदारी है कि बेटी सुख से जिंदगी गुजारे। हर बाप चाहता है मेरी बेटी सुकून से रहे। मैं मुखालिफ नहीं, मैं नहीं कहता बेटी को कांटों पे धकेलो, ऐसा घर तलाश करो जहां बेटी इज्जत से रह सके। लेकिन सुनिए, अगर अमीर दामाद तुमने तलाश कर लिया लेकिन ऐसा घर ना ढूंढ सके जहां बेटी सुख से रह सके, तो तुमने कुछ नहीं ढूंढा। जिम्मेदारियां आ गई, और कोशिश करें 10-5 लाख में बेटियों के लिए उनकी जिंदगी के फैसले इतने आसानी से न करें। गौर फिक्र के बाद बेटी दें और दामाद दीनदार तलाश किया करें। रस्में बढ़ने लगी, आज गरीब सिसक रहा है। कितने लोग सिर्फ इसलिए बूढ़े हो गए कि बेटियों के निकाह कैसे करेंगे, और इसके नुकसान आप सोच भी नहीं सकते जितने बड़े इसके नुकसान आते हैं। जब एक गरीब बेटी का निकाह नहीं कर सकता, अमीरों ने उनके हाल खराब कर दिए, अब गरीब निकाह नहीं कर सकता तो फिर जिंदगी कहां गुजारे वो जाकर। सबसे पहली बात तो ये गुनाह के रास्ते खुलते हैं। फिर दूसरी बात, अगर निकाह होता भी है तो फिर वो अकीदे और मसलक नहीं देखा करती है। फिर तो वो अपनी जिंदगी गुजारने के ठिकाने तलाश करते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते जो ये रस्में हैं इनको खत्म किया जाए। हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, आज क्या बात कही जाए। लोग कहते हैं लोग जमाने के साथ चलना पड़ता है, ठीक है चलना पड़ता है, लेकिन लड़की वालों का भी दिमाग कम खराब नहीं है, दिमाग बराबर के खराब है। अगर हम चाह कर भी रस्मों को खत्म करना चाहे कि भाई हम नहीं चाहते रिश्ता चढ़ाना या बुलाना, कहते नहीं साहब मुआशरे में मेरी नाक कट जाएगी, तेरी नाक कट जाएगी। अगर तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, तुझे लखपति बनाया है, तू दामाद को 10-5 लाख दे देगा, लेकिन तेरा ही सगा भाई जो सिर्फ एक छोटी सी दुकान से घर का खर्चा चलाता है, वो अपनी बेटी को किसके घर डाल के आएगा, मुझे बताओ। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने गरीब भाई को भी तो देखें, उनकी जिंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हैं। आज हालात देखिए, 200 लोग रिश्तों में जाने लगे, ये तबाही नहीं है तो और क्या है। 200 लोग कल बारात का तसव्वुर 200 का था, आज रिश्तों में जा रहे हैं और बेटियां नहीं, अब तमाशे बना दिए गए, हया उठा के रख दी गई, पर्दा नाम को रह गया, शर्म नाम का तो जनाजा निकल चुका है। मुझे बता तो सही, पर्दा है क्या? आज जाके देखो, मुश्किल से 1% घर में पर्दा नजर आता, 1% मुश्किल से। और फिर अगर किसी की बेटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो तो कहता कोई बात नहीं, जिसे चाव लाके बेटी दिखा दो। क्यों बाजार लगाए? जो भी कोई आके बेटी को देख के चला जाए, तेरी बेटी बेटी नहीं, तू किसी अरे खैरे के सामने बेटी को छोड़ देगा? हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसकी बेटी की तरफ अगर बेगैरत की आंख उठ जाती थी तो हम आंखें निकाल देते थे। उस कौम से हमारा रिश्ता है। फिर आज बताओ तो सही, आज लड़की के रिश्ते होते हैं। मौलाना आरिफ साहब तो खलेरा भाई देखने आ रहे हैं,
उबेर आ रहा, उबेर आ रहा, तीन दोस्त आ रहे हैं। भाई ये क्यों आ रहे हैं कि लड़का कह देता अगर इन्होंने पसंद कर दी तो मुझे पसंद है, शर्म नहीं आ रही? घर में तेरी रहेगी या इनके रहेगी, फैसले हो रहे हैं ये। अगर देखना है बेटी को, माँ को भेजिए, बहन को भेजिए, औरतों को भेजिए। इस्लाम ने कुछ हद तक अगर गुंजाइश रखी है उसके लिए है जिसका निकाह हुआ, और वो भी ऐसे देखे कि देखने वाले को खबर ना, जिसे देखा जा रहा है उसे पता ना चले मुझे देखा गया। लेकिन आज होता क्या है, आज होता रिश्ता देखने आने से पहले चार दिन पहले खबर कर दी जाती है, हम आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले में शोर है, आज फला की बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, तीन तीन गाड़ियां आके दरवाजे पे रुकी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया आज फला की बेटी को देखने आए हैं लोग। अल्लाह अकबर, तुम सोच भी नहीं सकते हो जब किसी को देखने वाले आते हैं तो बेटी के दिल पे क्या गुजरा करती है। पूछो उन जवानों से जो किसी एग्जाम हॉल में जाकर के बैठे और पर्चा हाथ में आया ना हो तो दिल पे कौन सा ख्याल नहीं आता है, धड़कने तेज होती, पता नहीं कौन सा सवाल आने वाला होगा, वो याद होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। और यार ये वो एग्जाम है जो इस बार अगर फेल हो गए तो अगली बार फिर पास कर सकते हो, फिर पास कर सकते हो, फिर पास कर सकते हो। लेकिन याद रखो जब किसी की बेटी को देखा जाता है ना तो ये कोई एग्जाम नहीं है बल्कि पूरी बेटी की इज्जत दांव पे लगी होती है। कौन सोच सकता है बेटी की इज्जत के बारे में, हमने तो यहां तक देखा है साहिब, हमने यहां तक देखा है जब बेटियों को देखने वाले आते हैं तो देखा गया लड़की पसंद भी आ गई, उस बात छोटी छोटी सी बात पे जाके कहते तीन दिन के बाद जवाब देंगे। क्यों भाई, तुमने देख लिया, नाक तक खा के जा रहे हो, जवाब तीन दिन बाद क्यों दोगे, आज क्यों नहीं दिया? कहते नहीं तीन दिन के बाद जवाब देंगे। जो देख के गए वो जवाब नहीं देते, जो घर बैठे वो बताते हैं कि लड़की करनी है कि नहीं करनी, अंधापन है कि नहीं? जिसने देखा वो कहे गलत है कि सही, लेकिन नहीं, तीन दिन तक लड़की करवटें बदलती है, जो देख के गए उन्हें मैं पसंद आई कि नहीं आई, वो ख्याल में डूबी रहती है। अगर ना कह दिया तो मैं मुआशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी। तीन दिन के बाद फोन आता है, साहब आपकी बेटी पसंद नहीं है। क्यों कहा? आपकी बेटी का कद छोटा है। कोई कहता उसकी आंखें अच्छी नहीं है, कोई कहता नाक नीची रह गई, कोई कहता नहीं जी उसका बदन अच्छा ना था, कोई कहता चाल अच्छी ना थी, कोई कहता ढाल अच्छी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, तुम्हारी बेटी की तहजीब अच्छी नहीं थी और तुझे डूब के मर जाना चाहिए। आज तू एक गरीब की बेटी को रुस्वा करके जा रहा है, हमें अच्छी तरह मालूम है अगर इस लड़की के बाप के पास 10 लाख रुपए तेरे मुंह पे मारने के लिए होते तो इसकी छोटी आंख भी तुझे बड़ी नजर आती, इसका छोटा कद भी तुझे बड़ा नजर आता, इसकी छोटी आंख भी तुझे अच्छी लगती, इसका चाल ढाल भी पसंद आता। सिर्फ ऐब इतना है गरीब की बेटी में कि इसके पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, इसकी बेटी के बाप के पास खरीदने के लिए 20 लाख का कैश नहीं है ताकि दामाद खरीद पाता। वो हया कर किसी की बेटी को यह कहकर रुसवा ना कर कि तुम्हारी बेटी के अंदर यह ऐब है, तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। और तलाक तो बड़ी बात है साहिब, जब किसी की बेटी का रिश्ता देख करके छूट जाया करता है तो फिर बेटियां शर्म से पानी पानी हो जाती है और कितनी बेटियां तो आत्महत्या कर लेती है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी मर गई तो मैं नहीं जानता तुम्हारी दौलत को देख के दुनिया क्या कहेगी, तुम्हारी कोठी को देख के दुनिया क्या कहेगी, लेकिन मर के कब्र में आएगा खुदा पूछे का बता एक गरीब को दौलत के लिए छोड़ा था, आज क्या उम्मीद लेके आया है, तो कितना कर गिरा लेना। वो कहेगा कल तू मेरी गरीब बंदी का नहीं हुआ, आज मेरी रहमतें तेरा सहारा बन नहीं सकती। जिंदाबाद, ख्याल करो एक दिन मरना है और आज अहद कर लो किसी गरीब की बेटी को ऊपर बोझ नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनेंगे। मैं दावत फिक्र देता हूँ दौलत वालों को कि अपने दौलत के नशे में आकर के किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करो। हाँ, तुम नहीं समझते बेटी कितनी नाजुक शय होती है, हर बेटी के लिए हर बाप एक बादशाह की हैसियत रखता है, चाहे वो गरीब बाप हो चाहे वो अमीर बाप हो। और जब बाप सलामत होता है ना तो बेटी पैबंद के कपड़े पहनती है लेकिन अपने आप को फिर भी शहजादी तसव्वुर करती है, एक बाप का प्यारे बेटी के लिए। और फिर बेटी अगर हो बेटा भले ना हो तो बाप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, ये भी ख्याल रखना। ये बाप बेटी के रिश्ते हैं, वो कुछ कभी ऐसा भी हुआ, वो एक गरीब था,
उसने बेटी का रिश्ता किया। अब तो लोगों ने रस्में बना लिए, तमाशे कर रहे हैं। तमाशे कौन से तमाशे? मौलाना आरिफ साहब जब रिश्ता होता तो कहते नहीं जी हमारी कोई मांग नहीं है, बस लड़की चाहिए। ये कह के लड़की ढूंढ ली, रिश्ता हो गया। जब लेन देन की बारी आ गई, भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा जमाने के हिसाब से, कुछ क्या करें, बस 2-2.5 लाख तो दे ही दियो। तेरे बाप ने कमा के रख दिए 2-2.5 लाख, दे ही दियो। तेरे बाप का कर्जा है ना, उस पे 2-2.5 लाख दे दियो, बस 2-2.5 लाख के सौदे हुए। और फिर उसके बाद क्या होता, जब आती है रिश्ते शादी की तारीख करीब, कार्ड छप जाते हैं तो फिर आता ससुराल से फोन लड़की की कि सुनिए हमें 5 लाख कैश चाहिए वरना हम बारात नहीं ला रहे। जिसके घर के कार्ड छप गए हो, अगर उस बेटी के घर बारात ना आए तो बताओ उसके बाप के जिगर पे क्या गुजरेगी। ये तमाशे बना लिए। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है ना तो इस खुशी को संभाल के रख, वरना अगर वो खुशी देनी जानता है तो खुशी लेनी भी जानता है। वो मोहताज नहीं है, वो एक लम्हे में अगर चाहे तो खुशियों से झोली भर दे, और वो एक लम्हे में चाहे तो तुम्हें गमों के बिस्तर पे लेटा दे। अगर बेटा है तो इतरा ना मत, दौलत तो अकड़ ना मत। ये जिंदगी खुदा की अमानत है, जब तक उसने दी है तब तक के लिए, वो जब चाहेगा ये जिंदगी भी ले लेगा।